नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। आज का दिन तो भली भांति याद ही होगा, ठीक 2 साल पहले जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। ये दिन तो पाकिस्तान भी कभी नहीं भूलेगा, जब उनके ही इलाके में घुसकर हमारे साहसी जवानों ने आसमान से आफत बरसाई थी। जी हाँ, आज के दिन बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। आसमानी किताब पढ़ने वाले आतंकियों को आसमान से ही करारा जवाब दिया गया, ऐसा मुंहतोड़ जवाब कि न बोलने के लिए मुंह बचा न भीख मांगने के लिए हाथ था। वो तो शुक्र मानो कि भारत ने अपने मिसाइलों के मुंह नहीं खोले, नहीं तो पाकिस्तान की सूरत और सीरत दोनों ही बदल जाती। आज के दिन भारत के ऑपरेशन बंदर से पाकिस्तान की धरती हिल गई थी। बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तहत कश्मीर में भारतीय एयर स्पेस में घुसपैठ करने की कोशिश की। इस दौरान हवाई कार्रवाई में भारत का एक MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को बंधक बना लिया। उस समय माहौल में इतनी गर्मी थी कि भारत ने पाकिस्तान पर दागने के लिए अपनी 6 मिसाइलों को तैनात कर दिया था। भारत अपना रुद्रावतार दिखाने वाला था और बाजवा की बजने ही वाली थी। ऐसा क्या हुआ था उस समय जो बाजवा के पैर कांपने लगे थे, चलिए बताते हैं। उससे पहले ये भी बता दें कि जब भारत ने सफल एयर स्ट्राइक की तो हमारे यहाँ के कुछ पाकपरस्त सबूत गैंग इमरान खान की तरह कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, भारत ने कोई एयर स्ट्राइक नहीं की है। पाक की मीडिया भी लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ नहीं हुआ। कमाल की बात ये कि पाकिस्तान के संसद में ही सच भी सामने आ गया। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। ये पैर यूं ही नहीं कांप रहे थे, माथे पर पसीना यूं ही नहीं था, इमरान की कुर्सी यूं ही नहीं डोल रही थी, उसका एक वाजिब कारण है। दरअसल समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक समय तो भारत ने पाकिस्तान पर कम से कम 6 मिसाइलें दागने की धमकी दी थी और पाकिस्तान जानता है कि भारत की धमकी कोरी धमकियां नहीं होगी। पहले ही पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक देख चुका था। हालांकि इसके जवाब में इस्लामाबाद ने भी 3 गुना ज्यादा मिसाइलें दागने की धमकी दी थी, ठीक उसी प्रकार की बच्चों वाली धमकी, जैसे पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने कहा था कि हमारे पास 250-250 ग्राम के परमाणु बम हैं। वैसे ही पाकिस्तान ने 1 के बदले 3 मिसाइल दागने की धमकी दी और इधर भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी कर ली थी। दरअसल रॉयटर्स ने पश्चिमी डिप्लोमेट्स और नई दिल्ली इस्लामाबाद एवं वाशिंगटन स्थित सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय शाम यानी 27 फरवरी 2019 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ आसिम मुनीर को फोन किया था। डोभाल ने दो टूक और सीधे शब्दों में कहा कि अभिनंदन के पाकिस्तान के कब्जे में होने के बाद भी भारत अपने आतंकवाद रोधी अभियान से पीछे नहीं हटेगा। डोभाल ने मुनीर से कहा कि भारत की लड़ाई उन आतंकी संगठनों से है जो पाकिस्तानी जमीन पर खुलेआम चल रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार के एक मंत्री के साथ साथ इस्लामाबाद में एक पश्चिमी राजनयिक ने भी इस बात की पुष्टि की है कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर चिन्हित किए गए लक्ष्यों पर 6 मिसाइल हमले की धमकी दी थी। सूत्रों ने यह खुले तौर पर तो नहीं बताया कि धमकी किसने दी और किसने फोन रिसीव किया था, लेकिन पाकिस्तानी मंत्री ने बताया कि उस वक्त दोनों देश की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे के संपर्क में थी। पाकिस्तानी मंत्री ने रॉयटर्स को यह जरूर बताया कि इस्लामाबाद भारतीय मिसाइल हमलों का जवाब कई गुना ज्यादा हमलों से देगा। मंत्री ने कहा, हमने कहा कि अगर आप 1 मिसाइल दागेंगे तो हम 3 दागेंगे, भारत जो कुछ भी करेगा हम उसका 3 गुना जवाब देंगे, और पाकिस्तान ने 3 गुना जवाब दिया भी है। और पाकिस्तान को इस बात पर गर्व होना चाहिए क्योंकि जब भारत ने पाकिस्तान के आर्थिक रिश्तों पर चोट मारी तो पाकिस्तान में अदरक के भाव, टमाटर के भाव, आटे के भाव 3 गुना क्या 10 गुना बढ़े, और क्या जवाब दिया है पाकिस्तान ने अपनी कौम को। खैर, रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस धमकी के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर खड़े थे, दोनों में जंग कभी भी छिड़ सकती थी, इस बार छुप छुपा के नहीं सीधा आर पार की लड़ाई होती, लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद बड़े संघर्ष का खतरा टल गया। दरअसल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन समेत US के अधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। इसके बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े संघर्ष को टाला जा सका। 27 फरवरी की रात को अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार बोल्टन और डोभाल के बीच बातचीत हुई थी। इसके अलावा 28 फरवरी को सुबह सुबह भी दोनों की बात हुई। हालात और ज्यादा ना बिगड़े इसके लिए नई दिल्ली स्थित पश्चिमी राजनयिक सक्रिय हो गए। बाद में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, जो खुद भी हनोई में थे, उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत कर हालात को संभालने की कोशिश की। इस बारे में 5 मार्च को वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता रॉबर्ट पलाडिनो ने एक ब्रीफिंग में भी कहा था। विदेश
मंत्री पोम्पियो ने राजनयिक बातचीत का सीधे नेतृत्व किया और इसने दोनों पक्षों में बढ़ रहे तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से जब यह पूछा गया कि क्या वो मिसाइलों के इस्तेमाल की धमकी के बारे में जानते थे, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। इस मामले में पाकिस्तान के मंत्री ने बताया कि चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी हस्तक्षेप किया था। UAE की सरकार ने बताया था कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पाकिस्तान के PM इमरान खान से भी बातचीत की थी। 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने हनोई में पत्रकारों से कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि संकट जल्द खत्म होगा। बाद में उसी दिन दोपहर को इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में ऐलान किया कि भारतीय पायलट को रिहा किया जाएगा और अगले दिन अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।